हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 12 में हो गई है, जो कि आपके चैप्टर चल रहा है लाइफ ऑफ प्रोसेसेस। इसके पहले आपका 11 लेक्चर 11 लेक्चर बन चुका है। आप चैनल पे आराम से विजिट करिए, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से पूरा लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर थोड़ा सा आपको सुनने में ज्यादा लग रहा होगा कि सर जी, एक चैप्टर का 11 लेक्चर, इस पे ना जाइए। आपका लेक्चर छोटा छोटा है और थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पेपर को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा दें और भागते चले चले। हो सकता है जो क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया वो अब डीप वाली लाइन से आ जाए, जो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का फिगर दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि नई वाली बुक आई है, तो वहां से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको आराम से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट को देख लिया है, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है, सर्कुलेशन वाला टॉपिक। उसी टॉपिक के जस्ट बाद, जहां पे आपका लंग्स वाला फिगर बना हुआ है, हार्ट लंग्स का कंबाइन वाला, उसी फिगर के जस्ट नीचे जो आपका एक स्पेशल पैराग्राफ दिया गया है, ब्लड प्रेशर, आज हम पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसी के नीचे एक आपको दिया गया है ब्लड वेसल करके एक टॉपिक, आज उसको पढ़ेंगे। ही दो टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो आराम से पढ़िए। तो देखिए, वही टॉपिक लिखा है। टू डेज टॉपिक में पहला चीज क्या है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। हम सभी लोग जानते हैं बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई, बीपी का क्या हो गया। तो जितना आपके किताब में दिया है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा चीज, ब्लड वेसल मतलब हम सभी लोगों के शरीर में खून दौड़ रहा है, नस में दौड़ रहा है, और कहां दौड़ रहा है, तो तीन जगह, तीन पाइप हमारे शरीर में लगी हुई है खून को फैलाने के लिए। पहला है वेन, जो कि मोटी, हमारा जो नस हमें आंख से दिखता है, जो मोटी पाइप होती है, हाथ में भी जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनके पूरे बॉडी में नस ही नस दिखता रहता है, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस वाले पाइप के खून में अधिक रहता है, मतलब गंदा खून आप कह सकते हैं, ठीक। बाकी खून तो वही है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, सरल भाषा में समझने के लिए गंदा वाला खून। अच्छा, शुद्ध खून कहां होगा, उससे पतली पाइप होती है आर्टरी, जो लाल लाल रेड कलर की होती है, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद उससे भी छोटी पाइप, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है ना, तो खून सही सही जब सेल में जाएगा तभी तो जाके प्रोटीन विटामिन एक एक सेल में पहुंचेगा। तो एक सेल के साइज की जो सबसे पतली पाइप होती है उसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी। तो तीन पाइप है, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, इसको देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भैया क्या लिखा है, द ब्लड दैट एग्जर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कोई खून मतलब खून के द्वारा हमारे शरीर में जो खून के पाइप पे, मतलब खून नस में चलता है, तो खून के द्वारा नसों के ऊपर जो उसके बहाव से प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब कि जैसे आप मोटर अपने घर में ऑन किया और पाइप को बिल्कुल दबा दिए, बहुत प्रेशर में पानी निकल रहा है पाइप से, तो जो पानी उस पाइप पे प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, वाटर प्रेशर। वैसे ही हमारे शरीर में पाइप है नस, आर्टरी और कैपिलरी, इन तीनों पे जो प्रेशर ब्लड लगाता है इनके पाइप पे, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। इतना ही सिंपल सा है। अच्छा, अब आपके किताब में फिगर दिया है, हमने लगा दिया है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। उस फिगर में क्या है, जो यहां हाथ में पहना देते हैं, डॉक्टर लपेट देते हैं, बीपी यूपी नापते हैं, उसमें एक भोंपू दिया गया रहता है हवा वाला, जिसको दबाते हैं बार बार तो ये बिल्कुल टाइट होता चला जाता है, और उसमें एक स्क्रू टाइप का लगा होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को टाइट कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। और तीसरा चीज क्या होता है, उसमें एक लगा होता है घड़ी, जो बताता है कि कितना इनका बीपी है, कितना हाई वाला है और कितना लो वाला है। तो वही चीज इसमें लिखा गया है, क्या चीज है, कि दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी देन वेन्स। अब एक कंसेप्ट समझिए, कल हमने आपको पढ़ाया था हार्ट, हार्ट में हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो ब्रेन में नहीं ट्रेवल करता, इसीलिए इसको अभी स्टार्टिंग में भी हमने बताया हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो किस में ट्रेवल करता है, आर्टरी में। वेन में कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो जो हमारे हार्ट में, क्योंकि हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, प्रेशर पंप है हमारे बॉडी का, तो जितना तेज हार्ट धड़कता है उतना ही ज्यादा आर्टरी में खून जाता है, और सबसे ज्यादा तीनों पाइप में अगर किसी पाइप पे जोर लगता है तो वो है आर्टरी, उसमें खून सबसे तेजी से ट्रेवल करता है। अच्छा, उसके बाद क्या कंसेप्ट है, तो कह रहा है सबसे ज्यादा प्रेशर ब्लड का किस पाइप में होगा, वो होगा आर्टरी में, तीनों को मिला के, ठीक। अच्छा, उसके बाद तो आर्टरी में क्या क्या होगा, आर्टरी में जो हमारे दिल में चार चैंबर होता है हार्ट में, उसमें जो ऊपर का एट्रियम होता है दोनों साइड का, वो जब एक बार पहले क्या होता है, धक धक, आप लोग कहते हैं ना दिल धड़कता है धक धक, तो बायोलॉजी में धक धक नहीं कहते, जो हमारा आर्टरी, जो हमारा आर्टरी होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस साउंड को हम लोग कहते हैं लव, और जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे कहते हैं डब। तो बायोलॉजी में क्या कहते हैं, लब डब, लब डब, लब डब। और जब आप लोग स्टेथोस्कोप मतलब आला लगाएंगे जो डॉक्टर कान में लगाते हैं, तब भी उसकी आवाज लब डब करके सुनाई देती है, ठीक भैया। तो लब डब करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा, जो ठुगाना था ना धक धक करने लगा, उसको हटा दीजिए, वहां लब डब लगा दीजिए। अच्छा, आप सुनिए, उसके बाद क्या है, तो आर्टरी में क्या है, जब हमारा जो आर्टरी है हार्ट का, वो एट्रियम है हार्ट का, वो जब क्या करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो ब्लड है वो आर्टरी में बहुत तेजी से भागेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, जब हार्ट रिलैक्स करेगा, रिलैक्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, अरे भाई हार्ट धड़क रहा है तो एक बार धड़केगा तो खून तेजी से जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर धड़केगा तेजी से जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे ही तो चल रहा है, एक मशीन है, एक बार काम करेगा एक बार रिलैक्स होगा। तो जब धड़केगा तेजी से तब क्या होगा, उस समय जो इस पाइप पे जोर लगेगा उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एट्रियम में खून कॉन्ट्रैक्ट हो हार्ट के द्वारा, उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के लगने वाले प्रेशर को, जो खून लगा रहा है प्रेशर, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फिर से समझ लीजिए एक लाइन में, आर्टरी पे जो पाइप है आर्टरी, उस पे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो प्रेशर लगाता है आर्टरी पे उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब जो धक्का लगा उस प्रेशर को क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, ये कितना होता है, ये होता है 120 mm ऑफ HG, ये है एक नापने का पैमाना, जो बीपी होता है वो 120-80 होता है, ज्यादा हो सकता है 120, कम हो सकता है 80। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट वो प्रेशर लगाएगा आर्टरी पे 120 mm ऑफ HG, मतलब इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है, ठीक भैया, इससे कम है 119-118 है तो नॉर्मल है, ठीक, 115 से 120 के बीच में होना चाहिए, इससे जैसे ज्यादा गए 121 वैसे बीपी हाई हो गया। फिर क्या हुआ, अच्छा ये आप समझ गए, फिर क्या होगा, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब झटका मारा है हार्ट तो रिलैक्स भी होगा, जब रिलैक्स होगा तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डाइस्टोलिक प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कहे सिस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्स हुआ तो उसे क्या कहेंगे, डाइस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 mm ऑफ HG का होता है। अब आपको एक चीज हम और समझा दें, अच्छा उसके पहले देख लीजिए, जो बीपी नापने वाली मशीन है वही जो बता रहे थे हाथ में बेल्ट टाइप का बांध देंगे, उस मशीन को बायोलॉजी में क्या कहते हैं, कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर, नाम याद कर लीजिए, MCQ में आ सकता है कि बीपी मापक यंत्र को या बीपी नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर, इसका स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। और जो डॉक्टर कान में लगा के सुनते हैं आला, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, दोनों में कंफ्यूज मत होइए, आला स्टेथोस्कोप और बीपी नापने वाला स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर 120 से ऊपर बीपी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन, हाइपर हो गया इंसान। अगर 80 से कम हो रहा है तो
हाइपोटेंशन, तो दोनों टर्म याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट इज हाइपोटेंशन। 120 से ज्यादा गया हाइपर, कम हुआ 80 से हाइपो, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अब आपके जो फिगर है उसमें यही दिया गया है, सिर्फ हाइपरटेंशन के बारे में, हाइपो के बारे में नहीं, जो दिया गया है वही पढ़ाया जाएगा। तो कह रहा है अगर हाइपरटेंशन मतलब 120 एमएम ऑफ एचजी से ज्यादा, मतलब किसी का बीपी बढ़ गया, नॉर्मली समझिए 120 से ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तब क्या होगा, हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या होगा, जो आर्टरी है हमारा जिसमें खून बह रहा है उस पे ज्यादा जोर लगेगा। कहने का मतलब यह है आपने मोटर ऑन किया, पाइप पकड़ लिए, पाइप का मुंह बंद कर दिया, अब पानी तो आ रहा है मोटर से लेकिन आप निकलने नहीं दे रहे हैं, तो पूरा प्रेशर किस पे लगेगा, पाइप पे, मोटर पे, मतलब हमारा मोटर कौन है हार्ट पे, हमारा पाइप कौन है आर्टरी पे, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, तो पाइप फट जाएगी या तो मोटर खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं, या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या तो पाइप फट जाएगी, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को तेल मसाला कम खाना चाहिए, नहीं तो वो आर्टरी में ही जाके जम जाता है, किस फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के, इसीलिए कहते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो इन्हें एंजाइना हो रहा है, एंजाइना मतलब हार्ट पेन, इनके दिल में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल शरीर में नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब समझ लीजिए एक चीज और, इससे क्या होगा, या तो रप्चर हो जाएगा, आर्टरी फट जाएगी, या तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, हमने आपको बता दिया, ठीक भैया। अब देखिए जो तीन तरह का हमारा पाइप था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए तीन तरह का पाइप कौन सा है, आर्टरी है पहला, पहला पाइप कौन सा है आर्टरी, ये क्या करेगा, ये हार्ट से शुद्ध खून, ऑक्सीजनेटेड खून को लेगा और तमाम अंगों में भेज देगा, क्या करेगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और जितने भी अंग हैं, टिश्यू हैं, सब में भेज देगा, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज, इसके अंदर हार्ट के द्वारा दिया हुआ प्रेशर काम करता है, इसलिए इसमें खून बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है, झटके से जाता है, तो जो चीज झटका सहन करेगा उसकी दीवाल को मजबूत होना पड़ेगा, इसीलिए आर्टरी एनसीईआरटी में लिखा है कि मोटा होता है, थिक होता है और इलास्टिक वाल होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत मोटा इंसान है या नॉर्मल इंसान है, अब वो लोअर खरीद लिया बिल्कुल टाइट वाला, जैसे बैठा वैसे फट गया, अगर लोअर उसका स्ट्रेचेबल है, कपड़ा स्ट्रेचेबल है, खींच रहा है, थोड़ा सा तन जा रहा है तो एडजस्ट कर लेगा, वैसे ही ये जो पाइप है थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेचेबल मतलब इलास्टिक होता है ताकि प्रेशर को सहन कर सके। उसके बाद वेन का काम क्या है, नस का काम क्या है, वेन का काम ये होता है अंगों से खून को हार्ट के पास ले आना, जो अंग यूज कर लिए हैं अब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, उसे उठा के हार्ट के पास ले आना ताकि उसे प्योर कर सके। अच्छा, इसमें कोई प्रेशर नहीं लगता क्योंकि अंग से आ रहा है, अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग टिश्यू से, तो इसको कोई प्रेशर से मतलब नहीं है, इसके वॉल वॉल में कोई बहुत ज्यादा मजबूती देने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज हमारा जो है वो है कैपिलरी, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आर्टरी है जो हार्ट से खून ऑर्गन को दे रहा है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब आर्टरी है, हार्ट है, हार्ट ने दिया किसको, फैक्ट्री से सामान लाएगा जो बहुत बड़े लेवल का दुकानदार रहेगा, उस दुकानदार से कौन लाएगा सामान, जो थोड़ा सा छोटा रहेगा, और उससे उससे उसके यहां से कौन सामान लाएगा, जो बिल्कुल गली नुक्कड़ पे छोटा छोटा दुकान लगाते हैं, जहां एक ठो बोरी बिछा ली आराम से बैठ गए, उनके पास चारे पांच सामान है, उसी प्रकार से हार्ट से खून आया आर्टरी में, और आर्टरी से खून कहां जाना है, अब ऑर्गन में, और ऑर्गन के अंदर क्या है टिश्यू, और टिश्यू के अंदर क्या है सेल, तो हमारे बॉडी के पाइप की ही जिम्मेदारी है कि हर एक सेल को ब्लड मिल सके ताकि सभी सेल में एनर्जी बन सके। वो काम कौन करता है, वही लिखा है कि जब आर्टरी पहुंचेगी टिश्यू के पास या सेल के पास, तब ये छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाएगी, और उन सभी छोटे पाइपों का नाम है कैपिलरी। इस कैपिलरी का काम क्या होता है, ये सभी सेल के पास अपना अपना मटेरियल पहुंचाएगा। एनसीईआरटी में यह भी लिखा है कि एक कैपिलरी का साइज एक सेल के बराबर होता है,
बहुत डीप लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा। जब हमने लंग्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि एल्वियोली के पास भी कैपिलरी होता है, इसी में गैस बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन सेल में चला जाता है। और दूसरा चीज क्या होगा, उसके बाद ये बहुत सारा कैपिलरी जब ले लेगा सभी चीज को, तो ऑर्गन से हार्ट के पास किससे आता था, वेन से, तो ये कैपिलरी खुद किसमें बदल जाएगा, ये बन जाएगा वेन में, बहुत सारा कैपिलरी मिलके वेन में बन जाएगा, और उससे ऑर्गन से जितना भी ब्लड है वो सब कुछ लाके हार्ट को फिर से प्योर करने के लिए दे देगा। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था, हमने आपको बीपी बता दिया जितना किताब में दिया है, और बाकी हमने क्या बता दिया, इसके जो हमारा ब्लड का टाइप है उसके बारे में बता दिया। तो जितनी भी वीडियो चैनल पे सब कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए, अगर अभी तक आप अंत तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी आपको अगर अच्छा लगा हो या किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट में भी बता दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।